हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नई और आसान मिठाई की रेसिपी। जब मन चाहे आप इसको 7 से 8 मिनट में बना के आसानी से तैयार कर सकते हैं और घर में रखी चीज़ों से आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। तो आज की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ सबसे पहले लिया एक जार, उसमें मैं डाल रही हूँ 10 से 15 ये बादाम, और उसी के साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नारियल का बुरादा। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नारियल बुरादा नहीं है तो आप इसकी जगह खोपरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ मैंने इसमें डाला है 4 से 5 चम्मच इतना चीनी और 4 से 5 चम्मच इतना मैंने इसमें डाल दिया है मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट रखे हैं आप वो डाल सकते हैं। और उसी के साथ मैंने इसमें डाला है 2 हरा इलायची और इसको मैंने पीस के ले लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ चीनी और नारियल का बुरादा बादाम सब है वो अच्छे से पीस गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसका एक टाइट डो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ लिया है दूध का मलाई, अगर आपके पास मलाई है तो आप मलाई डाल दीजिएगा, नहीं तो आप सिंपल दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच जितना दूध का मलाई डाला है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दूध आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, जैसे जैसे ज़रूरत लगे उसी हिसाब से आप दूध डालिएगा। अगर आपने एक साथ ज़्यादा दूध डाल दिया तो मिश्रण है वो गीला हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 3 चम्मच दूध में इसका मिश्रण है वो तैयार किया है। तो अब हम इससे ज़्यादा हम इसमें दूध नहीं डालेंगे, इसका एक सॉफ्ट सा मिश्रण बना के मैंने तैयार कर लिया है। जैसे हम इसका एक लोई बना सकते हैं बस उतना टाइट इसको रखना है, इससे ज़्यादा हम इसको टाइट नहीं रखेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी बचा हुआ दूध हमारा पड़ा है तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। तो मैं इसको हाथों से थोड़ा सा और मसल के ले रही हूँ, जिससे हम बॉल बनाएंगे तो वो अच्छे से हमारा बॉल है वो बन जाएगा। तो मैंने इसको हाथों से थोड़ा सा और गून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको इसी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाला है, इससे इसमें कलर है वो थोड़ा सा अच्छा आएगा, इसलिए मैंने कलर डाला है। तो मैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कलर को अच्छे से ये मिश्रण के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल तोड़ेंगे। तो बॉल आप छोटा ही तोड़िएगा, ज़्यादा बड़ा बॉल नहीं बनाना है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नींबू से थोड़ा छोटा ही बॉल बना के तैयार किया है और कितना अच्छा हमारा चिकना बॉल बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसी तरीके से सभी बॉल को बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ उतने मिश्रण से 7 बॉल बन के तैयार हुई है, वो मैंने बना के ले ली है। अब हम लेंगे एक कटोरा और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 गिलास दूध। दूध आप मिठाई कितना बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से ले लीजिएगा। और ये बचा हुआ मलाई है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ 3 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से मीठा कम या थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 3 चम्मच चीनी डाला है और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके बगैर भी दूध को थोड़ा सा ज़्यादा उबाल लीजिए और थोड़ा सा गाढ़ा करके आप दूध को ले सकते हैं। ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं रखना है, बस इस तरह का गाढ़ा होना चाहिए। और दूध है वो मैंने बिल्कुल ठंडा दूध लिया है, तो आप भी ठंडे दूध का ही इस्तेमाल करें। अब हम दूध को रख देंगे साइड में और यहाँ मैंने लिया है चॉपिंग बोर्ड और यहाँ मैंने लिया है ये 7 ब्रेड। जितने मैंने बॉल बना के ली थी उतना ही मैंने यहाँ ब्रेड ले लिया है। और ब्रेड के साइड के पार्ट है उसको हम हटा देंगे, ये थोड़ा हार्ड होता है तो इसको हम हटा के लेंगे। तो मैंने यहाँ साइड के पार्ट है वो हटा लिए है। इसी तरीके से मैंने यहाँ सभी ब्रेड की साइड है उसको मैंने कट करके ले लिया है। अब हम यहाँ लेंगे हमारा दूध और एक ब्रेड उठाएंगे और उसको हम इसमें भिगोएंगे। तो इसको ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखना है, इसको डालना है दूध में और उसी टाइम निकाल लेना है। और फिर हम दोनों हथेलियों के बीच में लेके इस तरीके से
जो भी इसमें एक्स्ट्रा दूध है उसको हम निकाल लेंगे। तो मैंने इसको अंगूठियों से दबा के इसका एक्स्ट्रा दूध था वो निकाल दिया है। अब हम एक बोल को लेंगे और इसके सेंटर में रखेंगे और अब चारों तरफ से हम ब्रेड को एक जगह इकट्ठा करके इसको बंद कर देंगे। तो इसको हम इस तरीके से हाथों से दबाते हुए इसको हम इसका एक गोल बोल बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो अब मैंने एक बॉल बना के आपको दिखा दिया है। तो इसको हम रखेंगे एक प्लेट में और इसी तरीके से हम बनाएंगे दूसरा बॉल। ब्रेड को उठाना है और दूध में थोड़ा सा डिप करना है, ज़्यादा देर दूध में नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेड है वो हमारा टूट जाएगा और इसका एक्स्ट्रा दूध है वो निकाल देना है। और सेम प्रोसेस से वही बॉल उठाना है और इसके बीच में रखना है। आप जब इसका बॉल बनाओ तो उसी हिसाब से बनाइएगा कि हम ब्रेड के बीच में रख के इसको आसानी से बंद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ दूसरा बॉल भी बना के तैयार कर लिया है। इसी प्रकार हम सभी बॉल बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसी प्रकार सभी बॉल को बना के तैयार कर लिया है। तो ये देखिए इसके 7 पीस बने थे, तो ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब जो बचा हुआ दूध है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि बॉल बनाया था तो जितना भी इसमें दूध था वो निकल गया था। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डाल देंगे जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा बारीक कटा हुआ बादाम और गुलाब की पत्तियों से इसको थोड़ा सा गार्निश किया है। मैं आपको एक पीस है वो काट के दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट हमारा ये पीस है वो बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ, पास से देखिए, बहुत ही सॉफ्ट हमारा मिठाई है वो बन के तैयार हुआ है। इसमें बिल्कुल भी ब्रेड का टेस्ट नहीं आएगा, बहुत टेस्टी हमारा मिठाई बन के तैयार होगा। तो आप भी एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।